जय साथियों, आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है अहमद अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडियन फोर्स एकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि आर्मी का जो एग्जाम हो गया है, अब क्या होगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको ग्राउंड की तैयारी करना चाहिए। ग्राउंड की तैयारी में ग्राउंड अगर आप करते हैं तो आपका फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि जब आपको बुलाया जाएगा ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे क्या क्या चीज चेक होगा, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे कि रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट और बाकी तमाम चीजें, आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है, इस वीडियो में रहेगा। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा वो तमाम प्रार्थी से जो इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि छोटे बड़े जितने भी जानकारी हो मैं अपडेट करूं तो आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए, और जो बेल आइकन उसको भी आप दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं कि फिजिकल जब टेस्ट होगा आपका आर्मी अग्निवीर का, जीडी और टीडीएन के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो टीडीएन और जीडी वालों को क्या होने वाला है, जब उनको ग्राउंड पे बुलाया जाएगा तो सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में उनका हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट होगा। ठीक है, हाइट, वेट और चेस्ट। ऐसे तो बताया जाता है कि हाइट जो चाहिए वो 169 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ग्राउंड पे 169 में कोई जाता है तो उसका, ये डिपेंड करता है कि जो आधिकारिक आपका मेजरमेंट कर रहे हैं 169 में भी आपको ले सकते हैं और उसके अधिक में भी आपको लिया जा सकता है। पिछले बहुत सारे मैंने रैलियों में देखा है कि 169 के ऊपर ही लिया जाता है, ठीक है, और खासतौर पर जीडी और टीडीएन वालों को। तो हाइट हो गया, वेट आपका हाइट के अनुसार लिया जाएगा और चेस्ट मेजरमेंट है, वो चेस्ट जो मेजरमेंट होगा उसी हिसाब से चेस्ट आपको जो भी उनका निर्धारित किया हुआ उसके ऊपर आपको 5 सेंटीमीटर को फुलाना हो, यानी कि 100 नंबर का पहले आपका एग्जाम हुआ है, 100 नंबर पे आपका मार्क्स आएगा जब आपका रिजल्ट आएगा उस समय, और साथ में जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो वहां भी आपको 100 नंबर का टोटल फिजिकल टेस्ट होगा। उस फिजिकल टेस्ट में 100 नंबर पे 1600 मीटर अगर आप दौड़ते हैं तो कोशिश कीजिएगा 5:30 नहीं, क्योंकि पहला जो अच्छे रनर होते हैं वो 5:10, 5:15 के अंदर ही वो लोग लेते हैं। तो ऐसे बंदों को 60 नंबर दिया जाएगा जो 5:10 से 5:15 या 5 के अंदर जो आ जाएंगे, ये फर्स्ट ग्रुप में जो आएगा उसको 60 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद सेकेंड ग्रुप वालों के, यानी कि उसके बाद जो आएगा बंदा, मान लीजिए 5:30 से लेकर 5:45 के अंदर में जो बंदे आएंगे उनको सेकेंड ग्रुप में रखा जाएगा, उनको कितना मार्क्स मिलेगा, 48 मार्क्स मिलेगा। तो 100 का टोटल आपका फिजिकल में से 60 आपको मिल रहा है दौड़ के लिए, और उसके बाद आपका होगा पुलअप्स में, यानी कि जिसको हम लोग बीम बोलते हैं या जिसको हम लोग ये बोलते हैं चिनअप बोलते हैं, तो जिनका 10 चिनअप हो जाएगा उनको 40 नंबर दिए जाएंगे। तो 60 और 40 100। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए आपका उस तरह का पुलअप्स आप नहीं कर पाए, किसी तरह से आपका थोड़ा सा रह गया कमी, तो आप 9 पुलअप्स करेंगे तो आपको दिया जाएगा 33 मार्क्स, 8 जो करेंगे उनको 27, 7 जो करेंगे उनको 21 और 6 जो करेंगे उनको 16 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन 6 से नीचे वालों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कम से कम आपके 6 के ऊपर हो, क्योंकि देखिए अगर एग्जाम में आपका कुछ भी मार्क्स रहा हो या फिर आपको लग रहा है कि अगर ग्राउंड तक आपको चांस मिल जा रहा है तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि आप फर्स्ट ग्रुप में आ सके और आपका बीम में भी आपको पूरा 40 में 40 मिले। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये सारा टेस्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको 9 फीट का जो डिच बोलते हैं वो एक्चुअली लॉन्ग जंप है, तो 9 फीट का आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा। लॉन्ग जंप के बाद आपको जिगजैग बैलेंस की भी वहां पे प्रक्रिया रहेगी जिसको आपको पार करना है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन जो आता है वो है दौड़ में। दौड़ में कोशिश कीजिएगा अपने आपको फर्स्ट ग्रुप में रखने का। तो मैंने हमेशा देखा कि जिनका फर्स्ट ग्रुप में रहता है और अगर मार्क्स मान लीजिए वहां पर 28-30 भी क्वेश्चन अगर किया होगा 100 में रिटर्न के एग्जाम्स में, तो क्वालिफाई हो जाने का चांसेस ज्यादा और सिलेक्टेड हो जाएंगे ये सारे बंदे, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो तमाम प्रक्रिया है इसमें सिर्फ जीडी और टीडीएन वालों को रखा गया है, और बाकी जो है टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, ये तमाम बच्चे सिर्फ क्वालिफाई कर देंगे तो हो जाएगा। यानी कि जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 169 जो मेजरमेंट बताया जाता है, कि बहुत समय ऐसा होता है कि नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल वालों का जो हाइट है 169 में भी ले लिया जाता है वहां पर, और उनका दौड़ अगर मान लीजिए 5:30 में भी निकल रहा तो उनको ले लिया जाता। तो ऐसे बच्चों को इसीलिए वो लोग टाइमिंग वहां से इस तरह से लिख देते हैं कि ताकि आपका जो क्लर्क और इसमें नर्सिंग वाले जो है या टेक्निकल वाले बंदे उस टाइम में पहुंच जाए तो उनको ले लिया जाता है। ठीक है, तो बाकी प्रक्रिया में आपको मालूम होना चाहिए कि क्लर्क, नर्सिंग और टेक्निकल वालों को ये मार्क्स नहीं जोड़ता, सिर्फ इनको क्या बोला गया कि नीड टू क्वालिफाई, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है उस मार्क्स में, यानी कि वो जो टारगेट दिया जाता है दौड़ने का, बीम और बाकी जिगजैग बैलेंस और लॉन्ग जंप, इसमें सिर्फ उनको
कंप्लीट करना होता है, इसमें कोई मार्क्स उनका है नहीं। तो आज वीडियो यहीं तक, और फिर से मैं अपने तरफ से अनुरोध कर रहा हूं तमाम प्रार्थियों को जो वीडियो में है, जो देख रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। सब अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।